खुश आमदेद उलमा कराम हमारे साथ हैं। जनाब मौलाना कुमैल मेहदवी साहब, क़िबला मुफ्ती आमिर साहब, अल्लामा अहसन साहब, मुफ्ती सुहेल साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, तो मैं तमहीद अपनी रोक के आप लोगों के सवालात की जानिब बढ़ता हूँ। सुनाइएगा पहला सवाल जनाब। मेरा सवाल यह है कि जो वालदेन अपने औलाद के लिए, बेटे या बेटी के लिए रिश्तों में रुकावटें डालते हैं, रुकावट का सबब बनते हैं, बेटे या बेटी की पसंद को इनकार करते हैं, धुतकारते हैं, तो उनको नज़रअंदाज करते हैं, जबकि उस रिश्ते में कोई ख़राबी या खामी नहीं होती, सही है। और मुस्तकिल अपने बड़े होने का, वालदेन होने का, अपने तजुर्बात का गलत फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे में औलाद के लिए हमारा दीन क्या कहता है और ऐसे वालदेन के लिए हमारा दीन क्या कहता मुनासिब, है? मुनासिब, शुक्रिया शुक्रिया। क़िबला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में वानकहुल अयाम मिनकुम वसालिहीन मिन इबादिकुम वईमाइकुम यकूनू फ़ुक़रा युग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम, कि तुम में से जो सालेह मर्द और औरतें हों उनका आपस में निकाह करवा दिया करो, अगर वो फ़कीर भी होंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़लो करम से गनी बना देगा और अल्लाह बहुत वसअत वाला और इल्म रखने वाला है। बहरहाल वालदैन अपना एक तजर्बा रखते हैं, और जो वालदैन हैं ख़ास तौर पर लड़की के मामले में, तो वालिद की विलायत को रखा गया है कि अगर एक लड़की है कि जो अपना पहला इज़्दिवाज कर रही हैं, तो ऐसी सूरत में वालिद की इजाज़त के बगैर और ख़ुद लड़की की इजाज़त के बगैर भी, ऐसा नहीं कि बाप ज़बरदस्ती किसी से शादी करवा देगा, लेकिन दोनों की जब तक रजामंदी ना होगी उस वक्त तक वो निकाह मुनाकिद नहीं हो सकता। अच्छा, अच्छा। जी, लड़की पर तो वालिद की विलायत है, लड़के के लिए भी है कि ज़ाहिर है कि वो वालदैन की रजामंदी ही को साथ में शामिल रखें। अलबत्ता यह कि शरई तौर पर जब वो बालिग और आकिल हो चुका है और रशीद हो चुका है, तो इस सूरत में वो विलायत नहीं रहती। तो एक तरफ का मामला ये, लेकिन दूसरी तरफ से इनकी बात भी यूं बचा है कि बाज़ मरतबा वालदैन अपनी किसी अना की वजह से, मसलन वो अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं अपने भाई या अपने बहन की किसी बेटी से, फ़र्ज़ कीजिए ख़ानदान में करवाना चाह रहे हैं, इस तरह से माँ कभी ख़ानदान ही में करवाना चाह रही है बिला सबब। जो दूसरा जो रिश्ता है वो भी कंपैटिबल है, जिसको शरीयत में हमकुफ़ कहा गया है। हमकुफ़ यानी दीनी और दुनियावी एतबार से एक दूसरे के साथ जोड़ा बन सकता हो, सही है। ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसा मुनासिब रिश्ता है तो उन्हें इस बात का एहतमाम ख्याल करना चाहिए कि खुद हदीस शरीफ में आया है कि ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसा रिश्ता आए और वो बिला सबब उसको अपनी महजना की वजह से या ऐसी किसी दुनियावी मामले की वजह से रिजेक्ट करें, तो फिर फरमाया हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर रूए ज़मीन पर कोई गुनाह होगा, अगर कोई फसाद होगा, लाजमी सी बातें होगा, क्योंकि अल्लाह सुबहानहू ताला ने एक नेचुरल ख्वाहिश तो रखी है इंसान में, जैसे भूख की ख्वाहिश रखी है, तो भूख की ख्वाहिश रखी है तो अल्लाह सुबहानहू ताला ने जो शरीयत बनाई वो फितरत के मुताबिक है, तो ये तो कहा जा सकता है कि आप ये खाइए और ये ना खाइए, ये नहीं कहा जा सकता कि आप कुछ भी ना खाइए, क्योंकि भूख की ख्वाहिश अल्लाह ने रखी है। इस तरह से बहरहाल जिन्स की ख्वाहिश अल्लाह सुबहानहू ताला ने फितरी तौर पर रखी है, तो ये तो कहा जा सकता है कि ये हराम है, लेकिन ये हलाल रास्ता भी है, तो अगर कुछ हलाल रास्ते को भी बंद कर दे, तो ऐसी सूरत में हुजूर ने फरमाया कि अब जो ज़मीन में फसाद होगा उसमें वो शरीक है और उस गुनाह में वो जिम्मेदार है, लिहाजा बगैर किसी उज़्र और उज़्र शरई और बगैर किसी मुनासिब सबब के इसको नहीं रोकना चाहिए और एहतमाम करना चाहिए। क़िबला इसमें कोई इजाफी रहे तो बताइए, वरना मैं आपसे अगला सवाल करूँ, वरना इसी पे कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल सही है, यही है। इसमें बस ये कि चूँकि ये एक बड़ा कदीमी और एक आलमगीर मसला है, हर जगह का है, तो इसमें ये बात बड़ी अहम है बुनियादी तौर पे कि लड़का ये सोचता है कि शादी मैंने करनी है, लेकिन हाँ। उसने ख़ानदान के अंदर आना है, तो शादी के मामले में एक हद तक वालदेन की राय पसंद का दखल होना चाहिए, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो थोप डालें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, सही। क्योंकि बुनियादी तौर पे जो है वो लड़के की पसंद जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लड़की की पसंद ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन अवॉइड नहीं किया जाएगा वालदेन को, ये तनासुब रखना चाहिए। मैं साहब की बात से तासुर मिला कि फ़िक़्हे जाफ़री में ख़वातीन, ये लड़की है अगर उसका पहला निकाह है तो वालिद की इजाज़त के बगैर फ़िक़्ही तौर पर नहीं हो सकता, वो वर्जिन है, तो ऐसी सूरत में वर्जिन है तो नहीं हो, तो ऐसी सूरत में वालिद की विलायत उस पर है और वो खुद से नहीं कर सकते निकाह बगैर वालिद की इजाज़त से, ये पाबंदी है। हमारे यहाँ पे भी नाबालिग बच्ची का निकाह वालिद की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता, उसी पर मौकूफ़ है हमारे यहाँ पे नाबालिग के लिए। आपने उसको दूसरी वजह जी सर, अगला सवाल सुनाइएगा मुफ्ती आमिर साहब से। जवाब मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है कि हम लोग जो ना पिछले रमज़ान के अंदर हम लोग गए थे ज़मीनों के ऊपर, सही है, तो वहाँ पर जो था ना वो सहरी और इफ्तारी का कोई इंतज़ाम नहीं था, यानी ना जंगल में हम बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जो था ना कोई इंतज़ाम नहीं था सहरी का और इफ्तारी का, तो उस हवाले से जो है वो फिदिया देना होगा, जो बाकी हमारे कुछ रोज़े हमने रखे थे
और कुछ जो थे वो छूट गए थे, तो जो 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 रोजे हमारे छूट गए थे उनका, ठीक है आ गया सब, शुक्रिया। जमीनों पर गए हुए थे, सहरी इफ्तारी का इंतजाम नहीं था, कुछ रोजे छूट गए, फिदिया देना होगा या क्या करना होगा? जो रोजे छूट गए हैं उनकी इनको कजा करनी पड़ेगी, यानी जो शख्स इस्तेतात रखता है कजा करने की वो फिदिया नहीं देगा। इस्तेतात से मुराद जिस्मानी तौर पे जो, ठीक, फिदिया वो देगा जो हमेशा के लिए माजूर है, बूढ़ा है, शेख फानी है, रोजे नहीं रख सकता है, तो वो फिदिया देगा। लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान के जो सेहतमंद है किसी वजह से तर्क हो गए खुदा ना खास्ता, तो वो फिर उसकी कजा करेगा। नहीं क़िबला, क्या ये तर्क करना ठीक अमल था? यानी कि मुझे इनकी बात से लग रहा है कि सहरी और इफ्तार का बाकायदा इंतजाम नहीं होगा, लेकिन जाहिर है इतने दिन वहाँ रहें तो जिंदा रहने के लिए पानी वानी ये सब तो होगा, तो अगर किसी ऐसी जगह पर हो इंसान जहाँ बाकायदा इंतजाम ना हो, सिर्फ बुनियादी चीज़ हो खजूर पानी, तो सहरी और इफ्तार के रोजे छोड़ने की इजाजत होगी या नहीं कि भाई अब रखें? इसमें ये भी इम्कान है कि चूंकि ये मुसाफिर थे, हाँ, वो तो गलत मसला है, सफर में थे, ठीक, सफर में दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं, फिर कहीं किसी के लिए सूटेबल होता है सहरी में जो है वो दवाई लेनी होती है, ख़ास किस्म के बाज़ लोगों के मामूलात होते हैं, दही चाहिए या फलां चीज़ चाहिए, वो नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसी तो सूरत में, बन सकती है, हाँ, और रोज़ा बाकी रखने वाले तो पानी से भी रख लेते, हाँ, हैं, हाँ, वो तो रख लेते हैं, लेकिन फिक्री तौर पर आप कह रहे हैं अनाथ में गुंजाइश बनेगी इस सूरत मुसाफिर होने की वजह से, हाँ, यानी एक तो मुसाफिर वाली शर्त है वो दे, फर्ज कीजिए कि वो मुसाफिर वाली कैटेगरी पूरा नहीं होता है, मुसाफिर के अलावा दूसरी ये कंडीशन है रोज़ा ना रखने की, उनको पता है कि इस वक्त जो जिस पोजीशन में हम रोज़ा रखेंगे हमें प्रॉब्लम होगी, राइट, तो इसलिए, ठीक, इसमें कोई राय मुख्तलिफ है? इसमें यह है कि अगर रोज़ा रखना उनके लिए शदीद तरीन दिक्कत का बाइस था, तो अव्वल तो अगर उनको मालूम था तो जाना नहीं चाहिए था, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अब चले गए और शदीद तरीन उनके लिए बाइस मशक्क़त है, तो ऐसी सूरत में उनके लिए गुंजाइश बन जाएगी, शायद मैं यूँ कहूँगा कि वाकई बन जाएगी, चूँकि अगर शदीद तरीन मशक्क़त है उनके लिए तो फिर बाद में उनको कज़ा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला नहीं था, कुछ तकलीफ के साथ भी वो रोजा गुजार थोड़ी सी सहमत हो जाए, बस ये नहीं कि तो उनपे वाजिब था, उन्होंने बताया वो ना हो, हाँ, लेकिन तो फिर वाजिब था कि रोजा रखते, फिर चाहे वो बुनियादी तौर पर ही थोड़ी बहुत सहरी इफ्तार करके, और अगर ऐसा है और जानबूझ के रोजा छोड़ा तो फिर तो फकत फिदिया नहीं कफारा होगा, फिर और कफारा की अपनी डिटेल्स है, फिर 60 फकीरों को खाना खिलाना या उन्हें 3 पाव आटा या चावल देना हर रोजे के बदले में, हाँ, ठीक, ये सुनाइएगा, अगला सवाल सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल अर्ज कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मेरा सवाल ये है कि फ़र्ज़ नमाज में पहली 2 रकत में सूरतों की जो तीसरी सूरत की तरतीब है वो हमें कुरान की सूरत की तरतीब से अदा करनी पड़ेगी, कि पहली सूरत पहली रकत में जो पढ़ी है उसके बाद वाली सूरत जो है वो हम दूसरी रकत में पढ़ेंगे, या रैंडमली आप जो है दोनों रकत में तीसरी सूरत कोई भी पढ़ सकते हैं? मुनासिब सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबे मोहम्मद व आलिहि व सहाबी बारक वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत में तरतीब को मलहूज रखना वाजिब है, लेकिन ये वाजिबातें सलात में से नहीं है, वाजिबातें तिलावत में से। अच्छा, अच्छा। लिहाजा अगर किसी ने ऐसा कर दिया, भूले से हो गया, तो फिर तो खैर है, गुनाह भी नहीं है, लेकिन अगर जान बूझ कर ऐसा किया तो गुनाह है, लेकिन सजदे साहब लाजिम नहीं होगा, नमाज हो जाएगी। वजह यह है कि ये वाजिबातें सलात में से नहीं है, तर्क वाजिब फिर सलात नहीं हो रहा, तिलावत का वाजिब तर्क हुआ है तो गुनाह तो है, उस पर तौबा करनी पड़ेगी, तौबा करें, तौबा लाजिम है, लेकिन सजदे तिलावत सजदे साहब की हाजत नहीं है, बगैर सजदे साहब के भी नमाज आपकी होगी। इसकी वजाहत कीजिएगा, अपने का तिलावत में, यानी कि जिस तरतीब से कुरान में सूरतें हैं तिलावत उसी तरतीब से करना, तरतीब से करना, मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ, मैंने वैसे ही कि मैंने कहा कि मैं पहले सूरह नास पढ़ लेता हूँ फिर सूरह फलक पढ़ लूंगा, तो ये इजाजत नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है, नमाज हो या गैर नमाज हो इसकी इजाजत नहीं है, बल्कि उल्टा कुरान पढ़ने वाले के लिए तो बाकायदा सख्त किस्म की वईदें अहादीस के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए जो है वो मसला फुकहा ने अहादीस की रोशनी में यह अख़्ज़ फरमाया है कि कुरान मजीद फुरकान मजीद को तरतीब से पढ़ना ही ज़रूरी है। ये तो आप कर सकते हैं कि गैप दे दें, मसलन आपने जो है वो पहले पारे से जो है वो एक सूरत पढ़ी है या कुछ आयात पढ़ी हैं, फिर आपने चौथे पारे से पढ़ ली है, ये गैप है, लेकिन तरतीब को उल्टा करना खिलाफ तरतीब के, पहले आप कहें कि मैं चौथे पारे से जो है वो कुछ आयतें पढ़ लूं फिर अगले, यानी सर मैं इसको और अपनी वजाहत के लिए अपने लिए बोलूं कि रोज लोग सेगमेंट्स देख रहे होते हैं ना, ठीक है, तो हमें फीडबैक आता है, समझा होता है कि आज आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया बताया था और आपने आयात बताई तो हमने आज ये वाली आयात पढ़ी है, कल आप दाऊद अलैहिस्सलाम का बता रहे हैं, अब हम दाऊद अलैहिस्सलाम मिसाल के तौर पर तरतीब के अतबार से पीछे हैं तो कल हम वो पढ़ रहे हैं, चूंकि हम उस मौजू में इंटरेस्टेड हो गए,
तो अब ये लोग गुनाहगार तो नहीं होंगे ना? ये गुनाहगार नहीं, मजलिस की बात है, नहीं एक मजलिस में जो आप कर रहे हैं ना उस मजलिस में तरतीब मौजूद रखना जरूरी है, अदरवाइज जो है वो लोग आज जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद के कोई एक पारा पढ़ना चाहते हैं, कल कोई दूसरा पारा पढ़ना चाहते हैं, या कोई खास वाक्य पढ़ना चाहते हैं आज किसी एक पैगम्बर का कल दूसरे पैगम्बर का, तो इसमें कोई हरज नहीं है, मजलिस तब्दील हो गई है इसमें कोई हरज नहीं, एक मजलिस के अंदर खिलाफ तरतीब नहीं। तो वैसे भी तिलावत नहीं है जो आप बता रहे हैं। अच्छा, इसको तिलावत की कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाएगा टेक्निकली? अच्छा अच्छा, तो इसकी तो वैसे भी गुंजाइश बन जाए। आपने जो कहा ना कि वो कहते हैं कि हम ये आयतें पढ़ लें, जी जी जी, तो आयतें पढ़ना तो बहरहाल तिलावत ही कहलाएगा। जब वाक्या नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि वो उन्हीं वाक्या से मुताल्लिक कुरानी आयत देख रहे होते हैं। अच्छा, ये आयत है, ये तर्जुमा है, ये आयत है, ये तर्जुमा है, तो वो तो टेक्निकली हो जाएगा तिलावत। देखें, जब तिलावत की नियत से पढ़ेंगे ना कुरान, चाहे तर्जुमे के साथ ही पढ़ रहे हो, जब तिलावत की नियत होगी तो अहकाम तिलावत के जारी होंगे, जब तिलावत की नियत नहीं होगी तो फिर अहकाम तब्दील होंगे। जैसे कोई याद करने की नियत से पढ़ रहा है तो अब वहाँ तिलावत की नियत नहीं है, कोई सबक सुनाने की नियत से पढ़ रहा है वहाँ तिलावत की नियत नहीं है, लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ जब पढ़ते हैं ना इस तरह तो तिलावत की नियत होती है। ऐसा कोई नहीं कहता कि भाई हम वाकिया पढ़ रहे हैं या किस्सा पढ़ रहे हैं तिलावत की नियत। आप कह रहे हैं तिलावत की नियत है तो तिलावत। इसी में कमेंट आप कर दीजिएगा, फिर अगला सवाल देखिए, यानी इसमें मकसद से पूछने का ये कि लोग ये घबरा तो ना जाए कि भाई यार ऐसा ना हो तरतीब उलट हो जाए, गुनाहगार ही हो जाए, उल्टा भाई छोड़ देते हैं, मतलब ये गुंजाइश जो बहुत सारी निकल रही है ना इसमें, या नहीं निकल रही, जैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबी व बारिक वसल्लम, जिस तरह क़िबला ने फरमाया ऐसा ही है। सही कि आप जो एक वाक़या आज सुना रहे हैं वो आगे है, कल दूसरा वाक़या सुना रहे हैं वो पीछे है, तो इसमें कोई शरीक का बात नहीं है। सही, बिल्कुल हो जाएगा। और इसके साथ मैं एक और चीज़ भी जोड़ लूँ कि हिफ्ज़े कुरान में बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चा होता है ना, हाँ, तो उसे इब्तदाई पारे मुश्किल लगते हैं, हाँ, तो उनको आसानी के लिए पहले तीसरे से शुरू कर लो, हाँ, हाँ, तो वो भी इस ज़ुमरे में नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि वो तिलावत नहीं हिफ्ज़, जैसे उन्होंने कहा भी, हाँ, वो भी इस ज़ुमरे में नहीं आएगा। अच्छा, जी बिल्कुल, अगला सवाल जरा सुनाएगा जी। वसीम भाई, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, शहबाज जनाब। अच्छा वसीम भाई, हमारे ना जो कारी साहब है ना, वो कहते हैं जी जो पीछे अत्तहियात में बैठे हुए हैं ना, जी जी, वो अत्तहियात पढ़ लेते हैं और खांसी करना शुरू कर देते हैं। सही है कि मुझे बताते हैं खांसी करके कि हमने ना अत्तहियात पढ़ लिया और सलाम फेर दो। सही है, तो ये बताएं ये कारी साहब ने ये जो बात की है, ये जो पीछे खड़े हैं उनकी तरफ ध्यान रखते हैं या अपनी नमाज पढ़ते हैं? ये तो सवाल कारी साहब से पूछना चाहिए था, लेकिन एक उमूमी मसला क़िबला बता देंगे। पर्सनल हो गया कारी साहब से सर। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना, वो जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पांव जमीन पर लगे नहीं लगे, हाथ कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो इमाम है समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो ज़ाहिर है कि नमाज का जिम्मेदार है, तो इसीलिए खड़ा हुआ है, और उसे भी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, एक मसला है, ये भी इसी नौयत का है, कि जब नमाज में इमाम से कोई सहव हो जाए ना, सही है, तो उसमें यह है कि भाई मुक्तदियों में कोई ना कोई बेवजू होता है। तो एक इमाम से सब हो गया, वहां लड़ाई, उसने कहा कि तुम लोगों में से कोई बेवजू है इसलिए मुझसे सब। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, ये तो, कहा जाता है। अच्छा, तो अच्छा, लोगों ने कहा कि यार गलती आपने की है और आप वो बाल हम पर डाल दिए, तो बड़ा झगड़ा हुआ। इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो तरावी पढ़ाते हैं ना, होता क्या है कि कोई अगर आराम से पढ़ा रहा है, अब पीछे एजिड लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, या नौजवान भी हैं, जल्दी पढ़ना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो, और ज़रा सा तहियात में तशहुद में देर हो जाए तो वो फिर एतराज़ करते हैं। तो इमाम साहिब को भी ऐसी नमाज पढ़ानी चाहिए कि जिसमें तलफ़ुज़ मखारिज वगैरह कायम रहे, लेकिन इतना भी देर न लगाए कि लोग उकता जाएँ। बहरहाल इमाम साहब का ये कहना, अगर वाकई ऐसा है और लोग इस तरह करते हैं तो ये ठीक नहीं है, और अगर ऐसे ही खांसते हैं और इमाम साहब को शक पड़ गया है तो उनको भी शक नहीं करना चाहिए। सही है, वक्त में तो मैं ज़रा लिखे हुए कुछ सवाल एक आध ले लेता हूँ कि जी वो ऑयल लगाना रोज़े में, ये सही है रोज़े के अतबार से भी, और फिर अगर मतलब मसाह करना हो या आज़ाए वज़ू, या इस पर कोई उस अंदाज से कोई शरीक बात नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अभी शायद तफसीली मसला हो जाए लेकिन मैं क्विकली पूछ लेता हूँ कि यूएसए में रहते हैं, फाइनेंस पर घर लेना या गाड़ी लेना जायज़ है? अगर ये अच्छा तो ये मसला, तो कल पे कर लें वरना आज बता दें। जैसे मैं एक मिनट अगर है, जी जी ठीक, एक से डेढ़ मिनट में, जी जी ठीक। ये मसला ऐसा है कि वहाँ पर जाने के बाद कोई भी बिजनेस करता है या नौकरी करने के लिए, तो वहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो मुलाजमत की जगह है, इदारे बहुत दूर दूर हैं,
डेढ़ दो घंटे की ड्राइव है, तीन घंटे की ड्राइव है, तो वहां पर बगैर गाड़ी के आप नहीं रह सकते, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसी तरीके से घर का रेंट आप पे कर रहे हैं, अब 10 साल गुजरे तो आप हजारों डॉलर घर का रेंट पे कर चुके हैं और उसके बाद देखते हैं घर हमारा नहीं है जी। और अगर आप जो है वो मुर्गिश पर लेते हैं तो कुछ सालों में वो आपका अपना हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ के उलमा ने भी ये राय दी है, मैं वहाँ पर देख कर आया हूँ, उन्होंने भी ये राय दी है कि जो वहाँ पर जाता है तो इब्तिदान एक कार या एक जो है वो घर जो है वो जरूरत के तहत मोर्गेज पर ले सकता है, इजाफी ना ले। बिल्कुल, ये सवाल मैं आपसे कल पूछ लूंगा, जो कि थोड़ा सा तफसील देना मैं। मसे वाला सवाल वो आपके ही नाम से था, क्योंकि वो तिथि में वो सर का भी मसा होता जी, है जी। ये ऑयल लगाना सर के मसे में रुकावट हो सकता है, लगा सकते हैं या नहीं? अगर कोई बहुत ज्यादा ऑयल लगा दिया किसी ने तो रुकावट बनेगा, मामूलन इस तरह से रुकावट नहीं बनता। यानी इसका शरी मसला तो हम उन्हीं के ऊपर छोड़ेंगे, हुक्म ये है कि अगर वो पानी बालों तक पहुंच गया, बालों की जड़ों खुद अंदाजा लगा लें तो वो खुद ही अंदाजा लगा दें तो इस सूरत में किफायत कर जाएगा। अगर इतनी ज्यादा ऑयल की सतह है और तरी है कि वो तर बतर हो गया है, तो मुश्किल ही है, कोई तेल निकल तो नहीं आया सर से कोई के ठीक। और नमाज में तिलावत में तरतीब के हवाले से राय वही है या नहीं? उसमें ये है कि फिकही एतबार से हमारे यहाँ पर कोई इसमें एतराज नहीं है। हाँ, इसको कोई पसंदीदा नहीं शुमार किया गया कि जान बूझ कर कोई तरतीब उलट के पड़े, लेकिन अगर वैसे किसी ने पढ़ दिया है तो उसने कोई गुनाह नहीं किया। बिल्कुल ठीक, मना। बहुत शुक्रिया, और ये मैं आपसे कल पूछूंगा चुकी कि जनाब वो लोन और वो जरा बाहर ताकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की दोनों हवालों से रहनुमाई हो जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।